नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल जयगव मिरर्स में स्वागत है मैं विजय कुमार गुप्ता साथ में मेरे साथ कैमरामैन यू आर तमंग आज पहुँचे हैं तुरसा टी गार्डन के तुरसा नदी किनारे और जहाँ पे एक छोटा सा एक प्यारा सा पिकनिक स्पॉट इस साल बनाया गया है नया पिकनिक स्पॉट है इसी को देखने के लिए हम लोग आए थे और काफ़ी बेहतरीन नेचर को मेंटेन करते हुए यहाँ पे पिकनिक स्पॉट को बनाया गया है ताकि जो फैमिली है जो बच्चे हैं जो युवा वर्ग हैं यहाँ पे आके मनोरंजन का लाभ उठा सके समय क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और क्योंकि ये दिसंबर का समय है नया साल को वेलकम करने के लिए काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे युवा पीढ़ी इसी तरह के नेचर फ्रेंडली पिकनिक स्पॉट पे जाना पसंद करते हैं तो एक जय में कहा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट के तरह यहाँ पे उभर के आ रहा है तुरसा टी गार्डन का ये क्षेत्र तुरसा नदी किनारे हम लोग मौजूद हैं और चल के हम लोग बात भी करेंगे जो यहाँ के युवा पीढ़ी है जो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट का देख रेख कर रहे हैं यहाँ पर मेनटेन कर रहे हैं उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे लेकिन उनसे बात करने के आगे हम अपने जय वासी से एक अपील करना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों ऐसा समय से जय वासी जयगाँव शहर गुजर रहा है जिस समय काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी समस्याएं हैं और ख़ासकर युवा पीढ़ी को ज़्यादा ही समस्याएं हैं क्योंकि युवा पीढ़ी का पढ़ाई लिखाई बंद है घर पे भले ही ऑनलाइन क्लासेस चल रहा हो काफ़ी सारे हमारे जयगाँव के युवा पीढ़ी घर पे बैठे हुए हैं बेरोज़गार बैठे हुए हैं और साथ में काफ़ी सारे युवा पीढ़ी गलत राह पे चले जा रहे हैं नशाखोरी में चले जा रहे हैं तो मैं जय वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की जो पिकनिक स्पॉट लोकेलेटी में जो युवा पीढ़ी दायित्व लेके मेंटेन कर रही है और प्रोत्साहन कर रही है उनको सपोर्ट करें उनको सही मार्गदर्शन करें चलिए हम लोग बात करते हैं आशा करते हैं कि हमारे साथ जो जय वासी हैं जुड़ेंगे दोस्तों इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुरसा टी गार्डन के युवा पीढ़ी जो इस तुरसा टी गार्डन में तुरसा पिकनिक स्पॉट का देख रेख कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं चलिए हम लोग बात करते हैं सुनील लामा जी हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी हमारे चैनल जयगॉ मीरस में आपका स्वागत है बताइए कैसे आप लोग को ये आइडिया मिला कि यहाँ पे इस तरह का पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है और इस साल आप लोग क्या नया कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आ सकें नया बोलने से तो कुछ नहीं है वो हम लोग जो यहाँ पर जो लड़का लोग है वो सब मिलकर एक ठो लॉकडाउन में काम भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसीलिए कुछ सोच के किया है ये ताकि मतलब सबको सब, सब कुछ हो इसीलिए किया है यहाँ पर बहुत सुविधा दिया है देख के रखा है जैसे देखिए यहाँ पर बच्चा लोग के लिए बिंग खिलौना वो सब रखा रह, रखा है और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कोरोना काल से हम लोग जो गुज़रे हैं काफ़ी सारे युवा पीढ़ी बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को इन युवा पीढ़ी को सपोर्ट करना चाहिए जो कि ऐसे समय में जो बेरोज़गार होके बैठे हुए हैं नया पिकनिक स्पॉट यहाँ पे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे मेंटेन करके बना रहे हैं तो जय वासियों से और तमाम हमारे भारतीय से यही अनुरोध है और आस के जो हमारे आ, कुछ पर्यटक है वो लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ डूअर्स क्षेत्र के तुरसा टी गार्डन क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है जो काफ़ी लाचार स्थिति में है बेरोज़गारी के चलते तो उनको सपोर्ट करें इस तरह के पिकनिक स्पॉट पर आए और ये भी मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि जितना आपको यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ पर लोकेशन देखने को मिलेगा शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले पहाड़ों के बीचों बीच नदी किनारे तुरसा टी गार्डन क्षेत्र में हरियाली के बीचों बीच आपको एक पिकनिक स्पॉट देखने को मिले और वहाँ पे एंजॉय करने को मिले क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को लिए मिले तो इससे सोने से सुहागा कहा जा सकता है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो युवा पीढ़ी है जो जयगा के युवा पीढ़ी है इनको सपोर्ट करें क्योंकि जय काफ़ी बदनाम हो चुका है नशाखोरी के वजह से और अगर युवा पीढ़ी इस तरह के कार्यों में जुड़ते हैं इससे केवल युवा पीढ़ी को ही नहीं जय को भी काफ़ी लाभ होगा दोस्तों हमारे साथ तुरसा पिकनिक स्पॉट के युवा मेंबर ओलंपस राय जी यहाँ पे मौजूद हैं ओलंपस राय जी हमारे चैनल जयगाँव में स्वागत है आ, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो जय गाँववासी हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे नेपाली हम पिकनिक स्पॉट हम नए गर हो हम लोकेशन कहाँ हो भादा हम तुर्सा टर्निंग सीधे माइल लाइन भाई भिया भाया भएर आउनुपर्छ र हाम्रो यो पिकनिक स्पोट चाहिँ के किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो केटाहरूको अब के काम पनि थिएन हो त्यसैले गर्दा लकडाउनले गर्दा अन्त त्यसैले गर्दा चाहिँ गरेको अन्त जति पनि हाम्रो यहाँ जयगाउँमा हाम्रो यो ब्लक कालचिनी ब्लक हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट अलिपुरद्वारमा होइन जति पनि मान्छेहरू बसिन्ताहरू हुनुहुन्छ होइन सबैजनालाई अब यो चाहिँ एउटा मेसेज दिन चाहन्छु होइन आफ्नो फ्यामिलीसँग अब लकडाउनमा सबैजना अहिलेसम्म बसेर अब कतिजनालाई अब होम होम सिक भइरहेको होला अब घरमा बसेर बसेर होइन त्यस्तो अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब यहाँ आएर होइन आफ्नो ग्रिन नेचरहरू अब हेर्नु हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो छ यहाँ जग्गा आखेप आएर एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् होला भिजिट गरेर एक्सपिरियन्स गरिदिनुहोस् होला त्यति नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन त दोस्तो यहाँ से चाहिँ लोग जाने से आगे जयगाँव वासियों को और तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं हमारे जो जय की युवा पीढ़ी है उसको सपोर्ट करते हैं और इस तरह के जो क्रिएटिव आइडियाज़ है क्रिएटिव कार्य है उसको सपोर्ट करते हैं उसको प्रोत्साहन करते हैं और आशा करते हैं कि आगे चल के यही युवा पीढ़ी हमारे जयगाँव का नाम रोशन करेंगे और इसी के साथ हम लोग यहाँ से अलविदा लेना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद कीप वॉचिंग जय मिरर्स